श्री अकाल साहब के जो जत्थेदार रह चुके रोडे ही उन्होंने वालों ते आरोप लगाए गए ताडे वालों गलत बयानबाजी की जा रही है इंटरव्यू के भी कही गई कि इन्हों भू माफिया क्यों कहा जा रहा है। देखो अपने आप से गल स्पष्ट होंगी है कि इकरारनामे की डेट 1/9/2004 लिखी गई है और वो डेट न छेड़छाड़ करके 21/9/2000 की गई वो क्यों की गई। उस इंटरव्यू के गया एक थान पर मैं सुनी वो इंटरव्यू वो भी कहा गया है कि बई एक किसान परिवार जिन्होंने जमीन वेची सी रजिस्ट्री करा नहीं गए। मेरे को रिकॉर्ड है मैं दस सकदा कि आ हाजरी लवाई है उन्होंने तहसीलदार साहब के बाकायदा ये साइन ने 31/8/2004 हाजरी लवाई 1 छुट्टी सी 2/9/2004 फिर हाजरी लवाई दो हाजरियां लवाइया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी गल कही गई कि पोस्टमार्टम तो क्यों भज रहे हैं। पोस्टमार्टम तो सानू इन्ना तजर्बा हो गया कि जितना जिनी देर तक साढ़े को डेड बॉडी उन्नी देर तक सानू इंसाफ मिलना है जिदे असी डेड बॉडी से संस्कार करता सानू इंसाफ थां पर थां पुलिस स्टॉप लग जाना। एक एस आई टी बनती है इतों साढ़े ऑफिसर बनाते हैं इतों के उस एस आई टी के खिलाफ हाईकोर्ट चले जाना ये अपने आप एक सिद्ध करता है कि वाकया घपला है। और वो जिहड़े साढ़े महापुरश ने सरदार रोडे जी वो तो साधु सुभा इंसान ने उन्होंने हो सकता वर्ग ला के गलत बयानबाजी करके उन्होंने कह के मतलब उन्होंने बयान दवा लिया क्योंकि एक वड्डी हस्ती है साढ़े लिए कि जो जगजीत सिंह लड्डेवाल ने उन्होंने वालों जो कारोबारी ने जो जैन समाज के कारोबारी ने उन्होंने खिलाफ गलत बयानबाजी करके जैन समाज से सिख समाज को आपस के लड़ाया जा रहा है। वो साढ़े इंडस्ट्रियलिस्ट है असं उन्होंने सत्कार करते हैं कोई साढ़ा इंडस्ट्रियलिस्टा कोई रौला नहीं है ये तो एक घराने का जिन्हें इन्होंने ठगी मारी उन्होंने लड़ाई है यार बाकी तो इंडस्ट्रियलिस्ट साढ़े सत्कारयोग ने साढ़े भाई ने। मैं किसान आगू हाँ मैंने मेरा किसान सुसाइड कर गया मैं तो आपके किसान की गल सुननी है ना क्यों मर गया वो पक्ष के मेरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है तो मैं खड़ा वो नाल उस पीड़ित परिवार को तो मेरा ख्याल है रोडे साहब आप मिले नहीं होने अगर वो मिल लेंगे तो आह गल उन्होंने नहीं सी कहनी कि इन्होंने पैसे ले लिया है। सानू लगता है कि रोडे एडे वे आगू होने तो बावजूद भी उन्होंने धोखे च रखा जा सकता। देखो धोखे च मैं पहले ही गल की है कि साधु तो कितों मर्जी कोई धोखे च रख ले साधु तो साधु होंगे ना साधु का एक सुभा हों कि हरेक के उत्ते विश्वास करता ये तो सगो कोर्ट में साढ़े वास्ते आ पीड़ित परिवार वास्ते कोर्ट साडा सत्कारयोग है असी रिस्पैक्ट करते हैं कोर्ट की कोर्ट में सो मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कोर्ट में भी इन्ने रखा इन्होंने तो हाई कोर्ट में अपने आप इंटरफेयर करके इस मसले को मतलब अपने हाथ से लेना चाहिए। नहीं तो मामले के एक दिन अरैसट पै गई एक आरोपी की दूजे को कल जमानत मिल चुकी है तो उस तो बाद भी तुम्हें लगता है कि देखो जे इंसाफ नहीं मिलता तो होर क्या करेंगे जी लोग अगर इंसाफ नहीं मिलेगा फिर तो लोगों मतलब यदा मतलब अच्छ इन्हों की जमीन खोही गई कल किसी की होर की परसों होर की चौथे होर की बड़े 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 इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े अमीर घराने इतने बैठे ने वो खोलेंगे सारी लोगों की जमीन। जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते भरोसा जीते हैं हम। सत श्री अकाल जी मैं राजदीप सैनी तुसी देख रहे हो जानी तैशी न्यूज़ चैनल। जिदा कि तुहानू पता है कि पिंड जैनपुर दे विच कुछ दिन पहला किसान सुखविंदर सिंह वल्लों खुदकुशी कर लिती गई सी। इस मामले दे विच एक पासे तां कारोबारियां वल्लों खुद नूं बेकसूर दस्या जा रहा है उत्ते ही दूजे पासे पीड़ित परिवार अते किसानां वल्लों पुलिस कमिश्नर ऑफिस दे बाहर धरना लगाया गया है अते पीड़ितों इंसाफ की मंग की गई है। इस दौरान कुछ किसान आगुआ वालों जो मौजूदा समय से धरने से बैठे किसानों के वड्डे आरोप लगाए गए हैं जिन्ह का कहना है कि जो किसान मौके पर बैठे हैं उन्होंने आगुआ वालों गलत तरीके दे नाल बयानबाजी की जा रही है जिस संबंध में असी किसान मजदूर एकता यूनियन के प्रधान सूबा प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल को पहुंचे जिन्हों इस मामले संबंधी गलबात करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडे चैनल का जी। सर जिदा कि तुहानू पता है कि श्री अकाल साहब के जो जत्थेदार रह चुके रोडे ही उन्होंने वालों ताडे ते आरोप लगाए गए ताडे वालों गलत बयानबाजी की जा रही है। देखो जथेदार रोडे जी साडे लिए बहुत सत्कारयोग ने साडे सरमौर संस्था साडा सरमौर स्थान जिन्हों असी अकाल तख्त का नाम नाल नवाजदे हाँ वो साडे सारे लिए सरमौर है असी बड़ा सत्कार करते हैं उस पदवी का सत्कार करते हैं बेशक वो एक्सी ने
बाकी दूसरी गल है जिहड़ा उन्हां दा पिछोकड़ उन्हां दा परिवार है, परिवार ने जो साडी कौम नूं देण है उहदे संबंध च असीं फिर उस तों वी वध उन्हां दा मतलब सत्कार करदे हां। क्यों कह गए उह किस गल्लों कह गए, मैनूं लगदा हो सकदा है एडियां हस्तियां जिहड़ियां हुंदियां इन्नी बरीकी दे विचों ना गए होण, कहानी जो है सच्चाई असीं मीटिंग कल नूं सद्दी है उहदे च लभांगे कि एडे एडे इंसान अगर इहो जिहे प्रोग्रामां दे उत्ते टिप्पणियां दिंदे आ तां क्यों आए, हो सकदा उन्हां नूं हनेरे च रख्या गया होवे, क्योंकि बहुत सारा जिहड़ा लोक इह हुंदे ने इह लोक भू माफिया दीआं गल्लां जिहड़ियां असीं कह रहे हां उह इंटरव्यू दे विच तुहाड़ी च इक इह वी गल कही गई वी इहनां नूं भू माफिया क्यों कहा जा रिहा है। देखो अपने आप च इह गल स्पष्ट हुंदी है कि इकरारनामे की डेट 1/9/2004 लिखी गई है और वो डेट नू छेड़छाड़ करके 21/9/2000 की गई, वो क्यों की गई? उस इंटरव्यू दे विच इह कहा गया, एक थां ते मैं सुनी वो इंटरव्यू, उहदे च इह वी कहा गया है कि बई एक किसान परिवार जिन्हां ने जमीन वेची सी इह रजिस्ट्री कराउण नहीं गए। मेरे कोल रिकॉर्ड है, मैं दस सकदा कि आ हाजरी लवाई है उन्होंने तहसीलदार साहब दे बाकायदा इहदे ते साइन ने, मजिस्ट्रेट दे साइन ने, हाजरी लवाई गई है बंदिया ने 31/8/2004 नू हाजरी लवाई, 1 नू छुट्टी सी, 2/9/2004 नू फिर हाजरी लवाई, दो हाजरियां लवाइया और इत्थे नहीं रुकिया काम। उस तो बाद उन्होंने इन्हां नू 15 तरीक नू आ 15 डेट आ दी और लीगल नोटिस भेजिया कि भाई आ गए रजिस्ट्री कराओ आपकी। तो मैनूं लगता है कि वह बंदे एडे एडे अणजाण तां नहीं गए, उन्होंने जरूर हनेरे च रख्या गया होएगा, जिस हनेरे दे विचों उन्होंने बयानबाजी दे के चले गए ने, साडे लई रिस्पैक्टेड रिस्पैक्टेबल ने, जिस तरह भी उन्होंने किया। पर यह जरूर है गल कि असी मीटिंग सद ली है कल नूं, वो मीटिंग दे विच असी इहदा अगला व्यौतबंदी बनावांगे, जो उन्होंने गल्लां कहीआं मीट इहदे विच दोष लाउण दे नाल नाल कि बई इहनां नूं मिल बैठ के गल नूं निपटा लैणा चाहीदा है। देखो जथेबंदियां कदे भी गल्लबात दा भज्जीआं ही नहीं, ना अज भजदे ना कल भजदे आ। सवाल इत्थे आ, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच इह वी गल कही गई कि पोस्टमार्टम तो क्यों भज रहे ने। पोस्टमार्टम तो सानू इन्ना क तजर्बा हो गया कि जिन्ना जिन्नी देर तक साढ़े कोल डेड बॉडी उन्नी देर तक सानू इंसाफ मिलना है, जिद्दे असी डेड बॉडी दे संस्कार करता सानू इंसाफ थां पर थां पुलिस स्टॉप लग जाना। इसे ही इसे जमीनी विवाद नू लैके अज एक SIT बनती है इत्थों, साढ़े ऑफिसर बनाउंदे ने इत्थों दे, उस SIT के खिलाफ हाई कोर्ट चले जाना ये अपने आप एक सिद्ध करता है कि वाकया घपला है, नहीं तो SIT नूं इनक्वायरी करन देना। अगर हाई कोर्ट का सहारा लैके उस SIT नूं रोकण दा यतन है तो अपने आप स्पष्ट हुंदा है कि ये सारी कहानी दे विच किते घपला है। और वो जिहड़े साडे महापुरश ने सरदार रोडे जी, वो तो साधु सुभाअ इंसान ने, उन्हां नूं हो सकदा वर्ग ला के गलत बयानबाजी करके उन्होंने एक कह के मतलब उन्होंने तो यह बयान दवाया, क्योंकि एक वड्डी हस्ती है साडे लई, पर उन्होंने मैनूं लगता यह बयान मतलब सोच के साडे नाल इहदे नाल पहले जानकारी लै लेनी चाहीदी सी, या परिवार नाल बैठ के एक बार उन्होंने गलबात कर लेंदे तो हो सकता वो मतलब इस बयानबाजी करन तो मतलब बच जाते ना करते बयानबाजी जाते। कि जो जगजीत सिंह लड्डेवाल ने उन्होंने वालों जो कारोबारी ने, जो जैन समाज के कारोबारी ने, उन्होंने खिलाफ गलत बयानबाजी करके जैन समाज से सिख समाज को आपस दे विच लड़ाया जा रहा है। बड़ी स्पष्ट है कि मैं बहुत बारी कह चुकिया ये गल्लां कि असी जिहड़े घट गिनतियां दे लोक हाँ, सानू एक दूजे नाल मिल बैठ के प्यार नाल रहना चाहिए। एक गल नंबर दो, असी पिछले दिनों दे विच ही आ दो दिन ही पहला असी मंग पत्र दे के हटे हाँ पूरे भारत के अंदर SSP साहबानों की कहा है कि जिहड़े लोग फिरकू दंगे भड़काउण दा यतन कर रहे ने, गलत बयानबाजियां करदे ने, उन्हां लोकां दे खिलाफ़ कार्रवाई करो, उन्हां लोकां नूं अंदर करो। असी तो फिरकू दंगियां दे खिलाफ़ हाँ, असी तो चाह रहे हैं कि सारे नूं मिल बैठ के रहना चाहिए है। दूजी गल, मेरा मैं लिख के सरकार को ले, पंजाब गवर्नमेंट को ले, साड़ी जथेबंदी वालों पिया है कि पंजाब के अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगनी चाहिए आ, इहदा मतलब असी इंडस्ट्री के खिलाफ़ किवें हो गए? इंडस्ट्रीलिस्ट साढ़े ने, वो कि बाहरले मुल्क चो थोड़ी आए हैं, वो साढ़े इंडस्ट्रीलिस्ट है, असी उन्होंने सत्कार करते हैं, कोई साडा इंडस्ट्रीलिस्टा कोई रौला नहीं है। यह तो एक घराने का जिन्हें इन्होंने ठगी मारी उन्हों लड़ाई है यार, बाकी तो इंडस्ट्रियल साढ़े सत्कारयोग ने, साढ़े भाई ने, ना किसी साढ़े तो कोई इतराज़ होना चाहिए।
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਰੋਡੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰੋਡੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੋਡੇ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਐਸਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਵਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਲਿਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਰੋਡੇ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡੱਲੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਏਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਉਸ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਸਿਰਫ 32.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆ ਉਹ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ 1,40,000 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਬਣੂਗੀ ਅਮਾਊਂਟ, ਉਹ ਅਜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਧੋਖੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ, ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹਜੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਾਂ ਦੀ ਆ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸੁਣਵਾਈ SIT ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ SIT ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 427, 468, 471 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਹ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਕ ਤੋਂ ਭਰੇ ਜਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਇੱਧਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਲਵਾਂਗੇ, ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮੀ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ MLA ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਔਰ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ DC ਨੂੰ ਕਿਹਾ
कि जी ये इंटरफेयर करो ये सुनो इन्हों की गल है। डीसी ने एस पी की ड्यूटी लाई, एस पी ने फिर इन्हों कहा भी सानू एप्लीकेशन मार्क करवा के दो। वो एप्लीकेशन जी मार्क करवा के दी सी बी साहब तो उस एप्लीकेशन की इन्वेस्टिगेशन करद्या लंबा समा लग गया। वो जो लंबा समा लग गया वो तो ही हताश होया बंदे ने सुसाइड किया है। यार मैं कोई शायद शुभम है, कोई मुंडे का ना है शुभम अग्रवाल। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के जी देरी हुई है, साडा मनना है तो उस किसान वो तो हताश होया, हताश होकर उन्हें मतलब खुदकुशी की है। हुण तुसी हजे तक पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया है, तो संस्कार कदों तक अगे नहीं किया जाऊ? देखो संस्कार तो इंसाफ मिलने से है, ये परचा दर्ज जिदे हो जाता है उस तो बाद मतलब असी पोस्टमार्टम बारे सोचा। नहीं तो कहा जाता है कि एक मामले के एक की तो अरैसट पै गई, एक आरोपी की दूजे को कल जमानत मिल चुकी है, तो उस तो बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मैं फिर एक बेनती करना हाँ कि देखो असी न्यायपालिका से सानू भरोसा कितने ना कि सानू इंसाफ मिलेगा, लेकिन नाल ये भी गल हैगी है कि साढ़े मानयोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नू एक बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करदिया अपन ही न्यायपालिका के उत्ते सवाल चुकने पे से, अगर वो सवाल चुकने पैदे तो वह भी कितने ना कि मतलब गल्ला ध्यान च रखनिया पैनगियां। तो जे इंसाफ नहीं मिलता तो इदा धरना लगाना की है जायज़ होगा? देखो जे इंसाफ नहीं मिलता तो होर क्या करन करनगे जी लोग, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा फिर तो लोगों मतलब यदा मतलब अज इन्हों की जमीन खोही गई, कल किसी की होर दी, परसों होर दी, चौथे होर दी, बड़े 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 इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े अमीर घराने इतने बैठे ने वो खोलणगे सारी लोगों की जमीन। ये खिलाफ़ तो एक बड़ी मूवमेंट बड़ी लहर खड़ी हो सकती है अगर नहीं तो। तो इस मामले सुसाइड तो बाद दोबारा पुलिस कमिश्नर जां लुधियाना डीसी नूं मुलाकात की उन्होंने? नहीं वो अपने आप अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने जो मतलब है जिनी प्रोग्रेस हो रही है वो साड़ी इतों की टीम के नालों लगातार तालमेल के ने दस रहे हैं कि असं आज की प्रोग्रेस कर रहे हैं। साड़ी प्रशासन को ला अखीर दे विच की मांग? देखो साड़ी प्रशासन को बड़ी स्पष्ट है कि इंसाफ देना बनता है, बड़ा बड़ा उन्होंने लोगों के ना उस परिवार के धक्का होया धोखा होया। सी पी साहब नूं मैं दोनों ही कापियां दे के आया, इन्हों के आधार के उत्ते जल्दी इन्वेस्टिगेशन आपदी नूं पूरी करना और पूरी करके मुकदमे दर्ज करके उन्होंने बंदे नूं जेल सिटना। जिदा कि तुसीं सुणिया किसान एकता यूनियन के जो सूबा प्रधान ने जगजीत सिंह उन्हां नाल गलबात की गई, उन्हां दा कहना है कि जो कारोबारी ने उन्हां वल्लों पीड़ित परिवार के नाल ठगी मारी गई है, जिहदे बकायदा सबूत भी ने जो कि प्रशासन नूं दित्ते भी जा चुके ने, उन्हां दा कहना है कि उदों तक वो इस धरने नूं जारी रखणगे जदों तक पीड़ित परिवार नूं इंसाफ नहीं दिवाणगे। इसे कहा कि जो धार्मिक आगू ने रोडे जी उन्हां वल्लों गलत बयानबाजी की गई है, जो कि कुछ लोगों वल्लों उन्हां नूं अंधेरे दे विच रख के बयानबाजी करवाई गई है, जिस संबंध में उन्होंने वालों सूबा सदर के उत्ते मीटिंग भी रखी गई है, जिस संबंध में जल्द ही अगला फैसला लेंगे। मैं राजदीप सैनी कैमरामैन बंटी के नाल धन्यवाद।